सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप यू गाइज हैव गॉन थ्रू फर्स्ट वीडियो। इंट्रोडक्शन उसमें दिया है मैंने कि एक्चुअली हम सीखने क्या वाले हैं, डेटा एनालिटिक्स है क्या एक्चुअली, उससे थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा तुम लोग को। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो कम्प्लीटली। आज इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ आई स्टार्टेड विद बेसिक पाइथन, जिसमें हम लोग पाइथन के बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि तुम्हें आइडिया आए। सो गाइज आई एम फॉलोइंग ए पैटर्न। ओके, मैंने एक पैटर्न डिसाइड किया है कि फर्स्ट वी विल बी लुकिंग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। पहले हम बुक पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर चीज़ का, जो भी हो वो तुम्हें बता दूंगा मैं। नेक्स्ट वी विल बी इंप्लीमेंटिंग थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, जो भी कोड्स एंड ऑल, उसको हम एक्चुअली एनाकोंडा में, इन शॉर्ट पाइथन में, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, सो तुम लोग को वही करना है, गो थ्रू करना है कम्प्लीटली वीडियो। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की टू मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, कम से कम ड्यूरेशन में मेन मेन विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो बना सकूँ। बट स्टिल एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो तुम लोग भगा भगा के स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो देखना अगर तुम एक्चुअली नॉलेज भी गेन करना चाहते हो तो, तभी समझ में आएगा। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी करो खुद से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि जो लोग एक्चुअली इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं वो ईजिली अच्छे से समझ के सिंपल से दे कैन ऑल्सो क्रैक इंटरव्यूज एंड ऑल, यही है। तो तुम लोग अच्छे से देखना वीडियो। ओके, डू वॉच द वीडियोज एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब भी चैनल करो सो दैट कि तुम्हें आगे आने वाले वीडियोस का भी अपडेट मिलते रहेगा। लाइक भी करो और कमेंट भी करो सो दैट आई विल कम टू नो कि कहाँ मुझे चेंजेस करने हैं। ओके, और तुम लोग के भी सजेशंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू सजेस्ट एनीथिंग, लाइक कुछ चेंजेस करने वीडियो में, कुछ तरीका बदलना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है मुझे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, दैट इज़ अभी हम वही करने वाले हैं। अभी फर्स्ट लेट सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चलते विदाउट वेस्टिंग टाइम, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो फर्स्ट कंसेप्ट इन पाइथन इज वेरिएबल। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल। जैसे हमने मैथमेटिक्स में सीखा था, वेरिएबल इज नथिंग बट वी असाइन अल्फाबेट फॉर सम न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। जो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है, हमें वो वैल्यू के बारे में अगर पता नहीं होता तो हम एक अल्फ़ाबेट असाइन करते थे, इफ़ यू रिमेंबर मैथ्स में, इवन वी आर लर्निंग दिस थिंग इन अलजेब्रा। तो वही है पाइथन में भी, सेम थिंग रहेगा वेरिएबल का मतलब। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो एडअप है वेरिएबल में, तीन चीज़ें, एक है केस सेंसिटिव रहेगा फर्स्ट थिंग, एंड इट विल बी अल्फा न्यूमेरिक। वन आफ्टर वन बताता हूँ तुम्हें व्हाट इज इट एक्चुअली। थर्ड थिंग, इट इज़ यूनिक। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व, ये जो ए है और ये जो ए है, दो भी ए ही है बट दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज द कैपिटल ए, तो दैट विल बी डिफरेंस, है ना। स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस रहेगा, तो इसकी वैल्यू तुम कुछ असाइन करते हो और इसकी अलग वैल्यू असाइन करते हो, दो भी अलग अलग वैल्यूज़ ही रहेंगे, दे विल नॉट बी सेम इवन इफ बोथ द अल्फ़ाबेट्स आर सेम, दैट इज़ ए। ठीक है, तो केस सेंसिटिव मतलब ऐसा रहेगा। सेकेंड थिंग अल्फा न्यूमेरिक मतलब यू कैन ऑल्सो यूज़ अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल। जैसे तुम असाइन कर रहे हो, तुम एक एग्जांपल ए टू इज इक्वल टू सम नंबर, नाउ देखो तुम लोगों ने अल्फ़ाबेट के साथ न्यूमेरिकल यूज़ करके वैल्यू असाइन की, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगा। थर्ड थिंग यूनिक रहेगा, यूनिक इन द सेंस कोई भी अल्फ़ाबेट तुम असाइन कर रहे हो तो वो यूनिक रहेगा। यू कैन नॉट असाइन ए इज इक्वल टू टू और समथिंग, तुमने ए को ही असाइन कर दिया थ्री, तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड प्रॉपरली, तो तुम्हें कुछ एरर आएगा उसमें। ठीक है, तो जो भी बाद में तुम रन करोगे वैल्यू वही आएंगी। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज वेरिएबल पाइथन में, ये रहेगा। सेकंड थिंग डेटा टाइप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, डेटा टाइप्स, है ना। सेकंड टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स पाइथन में तो इन शॉर्ट फोर डेटा टाइप्स हैं, वन आफ्टर वन बताता हूँ तुम्हें। सो फर्स्ट इज अवर इंटीजर, let me first write all the names then I will be explaining one of them what is it. Second is float, might be कुछ लोगों को already ये पता रहे क्या है ये data types, जिन लोगों ने already ये technical background के, but I am considering बहुत सारे लोग video वो भी देख रहे होंगे जिनको कुछ knowledge नहीं है, that is the reason I am going by basic।
तो बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे वन आफ्टर वन. आई विल ट्राई माय बेस्ट की ईच पॉइंट इज कवर्ड. सो फर्स्ट इज इंटीजर. इंटीजर जैसे हम मैथ में पढ़ रहे सेम इंटीजर, यहाँ पे एक चीज़ ये रहेगी कि सेम नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स, बट द थिंग इज इसमें डेसिमल्स नहीं आएंगे, विदाउट डेसिमल्स. ठीक है, नंबर्स विदाउट डेसिमल्स. सो प्योर इंटीजर जैसे मैथ में हमने पढ़ा था माइनस वन माइनस टू भी बोलो, इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर. सेम पूरे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आएगा, बट फ्रैक्शंस एंड इन शॉर्ट डेसिमल्स वाले इंक्लूड नहीं होंगे. तो फ्लोट में आएंगे नंबर्स जो डेसिमल्स के साथ इंक्लूड, नंबर्स विद डेसिमल्स. ओके, तो फ्लोट इज अ डेटा टाइप जिसमें नंबर्स आएंगे वो भी डेसिमल्स के साथ. सेकेंड थिंग इज नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में आएंगे अल्फाबेट्स, नंबर्स, इफ यू वांट कुछ तुम स्पेशल कैरेक्टर्स भी अगर ले रहे हो वो भी सब चीज़ें आ जाएंगी स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग में इट कैन बी अ वर्ड इंक्लूडिंग नंबर्स, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स इन द सेंस अगर तुम अंडरस्कोर लगा रहे हो या फिर स्पेस दे रहे हो, ये सब चीज़ें स्ट्रिंग में आ जाएंगी. देन फाइनल इज बुलियन. बुलियन सिंपल चीज़ में ट्रू और फॉल्स वाले वैल्यूज, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ये ऐसे वैल्यूज ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो होते हैं वो बुलियन वाले डेटा टाइप में आएंगे. दैट इज व्हाट द थिंग इज. नाउ नेक्स्ट इज हमारे ऑपरेशंस. ओके, सो सेम सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट क्लियर इट अप. सो ऑपरेशंस जब हम कैरी आउट कर रहे हो ऑन वेरिएबल्स, ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट दीज डेटा टाइप्स इंटीजर्स फ्लोट, करेक्ट, तो इस पर हम ऑब्वियसली ऑपरेशंस कर सकेंगे. लाइक डेटा टाइप ले लो एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू फोर है, इस पर आई कैन परफॉर्म ए प्लस बी वाला, दैट इज एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ मैं, राइट. सो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये रिजल्ट आएगा. बट सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग वाला कोई लूँ, स्ट्रिंग वाला कोई असाइन करूँ, लाइक ए लेट अस कंसिडर कैपिटल ए बोले, या फिर सिंपल वे में कोई और ले लेते हैं हम, क्यू इज इक्वल टू सपोज लेट अस टेक सम नेम, सम लाइक सुरेश. ओके, सिंपल क्यू इज असाइंड एज वॉट, सुरेश एग्जाम्पल. ये हमने एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया किसी वेरिएबल को. अभी इस पर और सपोज केक पर हम कोई और एक राम नाम का एक असाइन कर देते हैं, तो इस पर आई कैन नॉट परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, लाइक ए प्लस बी वाला है, क्यू प्लस के करूँगा तो रिजल्ट एडिशन वाला नहीं मिलेगा. दैट इज़ व्हाट द थिंग. ये एक नॉर्मल डिफरेंस है कि स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप पे आई कैन नॉट गो विज नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे मुझे वो करने को नहीं मिलेगा. तो बट यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, तुम अपर केस लोअर केस फिर स्पेसेस वगैरह कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो स्ट्रिंग पे, ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा प्रिंट स्टेटमेंट. सो इन शॉर्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या रहेगा, जब भी तुम कोई भी ऑपरेशन कैरिड आउट कर रहे हो यू कैन प्रिंट योर रिजल्ट, है ना. इफ आई एम परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, लाइक एडिशन का ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सम एड इज इक्वल टू कोई वेरिएबल्स को ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा, राइट. तो वही ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके यू कैन एक्चुअली लुक आफ्टर योर आउटपुट एंड चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. दिस इज व्हाट द थिंग इज. सो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में एक नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ, तो मैं ये एक स्लैश एन रहेगा. स्लैश एन इज यूज फॉर न्यू लाइन, ठीक है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका सब प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं, बट जस्ट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वन आफ्टर वन. सेकंड रहेगा स्लैश टी. स्लैश टी यू कैन यूज़ इट फॉर गिविंग स्पेस, है ना. स्लैश एन यूज़ कर सकते हो वाइल प्रिंटिंग, तो सो दैट कि तुम न्यू लाइन पर उसको प्रिंट कर सको रिजल्ट तुम्हारा जो भी है. और स्लैश टी यू विल बी यूजिंग फॉर क्रिएटिंग स्पेस इन बिटवीन. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन. ओके, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन इन प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट में तुम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो. ये क्या है क्लियर होगा, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली में मोस्टली क्लियर हो जाएंगे क्या एग्जैक्टली, बट तुम्हें यहाँ पे मैं बस थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ. इसमें तीन चीज़ें आएंगी. फर्स्ट आएगा इंटीजर्स के लिए जो तुम यूज़ करोगे पर्सन डी यूज़ करोगे. सेकेंड फ्लोट के लिए तुम जो यूज़ करोगे दैट विल बी परसेंट एफ,
Then the third will be, third data type is string. So for string we will be using percent s. So in short, variable substitutions you use kar sakte ho usme integer. For integer we will be using percent d. For float we will be using percent f. For string we will be using percent s. So these are like in short three data types जिसके लिए तुम ये use कर सकते हो. इसको कैसे use करना है, it will be much easier for you to understand practical जो हम करेंगे. I hope ये इतना theoretical तुम्हें theory in short समझ में आई होंगी. हम इसका देखेंगे अभी Anaconda के अंदर कैसे use करना है. Okay, hello guys, so let us see implementation of जो भी theoretical मैंने समझाया. I hope you guys have gone through video properly और सब देखा है जो भी मैंने theory बताई है. बस उसका अभी प्रैक्टिकली देखते हैं. सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, सो दैट लेट जस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन द वीडियो. सबसे पहले तो तुम्हें Anaconda नेविगेटर ओपन कर लेना है, ठीक है. आई होप यू गाइस हैव इंस्टॉल्ड इट. तो वहाँ से तुम ओपन कर लोगे तो इट विल टेक सम टाइम, इसलिए मैंने डायरेक्टली ओपन कर रखा है. मैं तो वही बता देता, बस यहाँ से जाना है और तुम्हें Anaconda नेविगेटर सेलेक्ट करके ओपन कर लेना. तो ये स्क्रीन ओपन जैसी होती है, तुम्हें यहाँ सर ये नोटबुक, जुपिटर नोटबुक जो दिख रहा है, यू हैव टू लॉन्च इट. ओके, एज सून एज यू लॉन्च इट तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा. उस पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ऐसा वाला जब तुम्हारे पास खुल जाएगा पेज, तो तुम्हें यहाँ से न्यू कलेक्ट करके पाइथन वाला क्लिक कर लेना, पाइथन 3 करना. तो जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे तो पाइथन का खुल जाएगा. दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर, तो यू गाइस ट्राई इट फर्स्ट, गिव इट अ शॉट, ठीक है, खुल जाएगा. अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है. तो जैसे ही खुल गया, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग जो हमने देखा था, वेरिएबल को असाइन करने का. तो आई कैन क्लियरली सी ए इज इक्वल टू सपोज 8. नाउ मैंने ए नाम के वेरिएबल को एक नंबर असाइन किया है 8. सो आई हैव टू रन इट. रन करने का एक सिंपल वे बताता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर दबा दोगे तो वो रन हो जाएगा, मतलब वो इनपुट ले लेगा. नाउ द यू कैन सी इज रन तो हो गया, वो इनपुट तो उसने ले लिया बट आउटपुट दिया नहीं. तो आउटपुट के लिए सिंपल यू हैव टू टाइप ए और कंट्रोल प्लस एंटर करके तुम जैसे रन करोगे वो आउटपुट तुम्हें दे देगा. दिस इज फर्स्ट वे. सेकंड वे जैसे मैंने बताया था, प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन आल्सो यूज इट. प्रिंट कर दिया मैंने और मुझे ए प्रिंट करना है, तो कंट्रोल प्लस एंटर यूज करके आई कैन रन इट. सो वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया. यहाँ पर हो रहा है डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एंटर करके भाई, बट कभी कभी वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना होता है इफ यू आर यूजिंग सम डिफरेंट व्हाट यू कैन से प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी और अलग काम करने वाला गैप पर. तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कर्नल में कंट्रोल प्लस एंटर करके यू कैन एक्चुअली रन दैट प्रोग्राम एंड यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर यू कैन एक्चुअली प्रिंट इट, ठीक है. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं. कोई और वेरिएबल लेते हैं, बी इज इक्वल टू सपोज 65. ओके, लेट मी जस्ट यूज कंट्रोल प्लस एंटर. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, बट जैसे मैंने रन किया वहाँ पे इनपुट ले लिया उसने 4. Okay, because I'm continuously using control plus enter to run that, तो तुम लोग भी मत भूलना. तो जैसे ही अभी suppose मुझे कोई operation perform करना है, like addition वाला operation perform करना है, मुझे a को और b को suppose add करना है, a and b, if I want to add a and b, so you can clearly see add is equal to a plus b, और मैं जैसे ही control plus enter करूँगा वो run हो गया है, input उसने ले लिया है. और मुझे suppose add को print करना है, suppose I can type add and I can use control plus enter और output मुझे मिल जाएगा. अगर ऐसे भी नहीं करना है तो normally manually print type कर कर तुम लोग bracket डाल कर अंदर add जैसे type करोगे और control plus enter use करोगे, it will be printing your addition. Similarly you can go for subtraction, multiplication, division, ये सब भी तुम लोग करके देख सकते हो. सो मुझे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी गई, इसलिए मैं सब चीज़ें करके नहीं बता रहा हूँ. बट सिमिलरली यहाँ पे तुम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करके ए माइनस बी भी कर सकते हो. तो आई नो यू गाइस तुम लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेंगी तो वैसे भी पूरी तरह से देखते नहीं हो. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम जस्ट गिविंग यू क्लियर आइडिया कि क्या होता है. ओके, सो वही है, गो ऑन वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली. नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं. सो ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हो, आई होप यू गॉट इट क्लियरली. सेकेंड जो रहेगा, एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट स्टेप में जो हम यूज करने वाले थे वो था प्रिंट वाले स्टेटमेंट में हाउ कैन यू एक्चुअली यूज योर थिंग. ओके, बिफोर दैट एक काम करता हूँ, तुम लोग ये बता देता हूँ. मैंने तुम्हें जैसे बताया था डेटा टाइप्स होते हैं 4, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन. तो सपोज मैंने एक कोई वैल्यू p इज इक्वल टू असाइन कर दी है, एक इंटीजर 85, और इसको मैंने रन कर दिया, राइट. नाउ आई हैव टू चेक p कौन से टाइप का डेटा टाइप है. तो फॉर दैट यू कैन यूज टाइप वाला थिंग
टाइप तुम्हें टाइप करना है और जो भी तुम्हें चेक करना है, सपोज पी का मुझे डेटा टाइप चेक करना है तो पी मैंने वहां पे टाइप कर लिया एंड कंट्रोल प्लस एंटर जैसे करूंगा मुझे उसका जो भी डेटा टाइप है वो मिल जाएगा। सपोज यू कैन सी इट इज इंटीजर तो आ गया है। सपोज कोई और रैंडमली हम क्यू इज इक्वल टू सपोज किसी का नेम असाइन कर देते हैं, सपोज नेम ले लेते हैं हम सपोज जय नाम का या फिर लेट अस कीप इट जय सपोज नेम। सो यू कैन क्लियरली सी दिस नेम इज जय। तो मैंने नेम्स जब भी तुम मेंशन कर रहे हो, स्ट्रिंग जब भी तुम टाइप कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर यूज इनवर्टेड कॉमा। मैंने टाइप कर दिया और क्यू को मैंने रन कर दिया। सपोज अभी मुझे चेक करना है कौन सा टाइप है ये क्यू का। सो जैसे मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ क्यू इट विल बी स्ट्रिंग। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ बुलियन। सो लेट मी जस्ट राइट समथिंग एज एक्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके ट्रू। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी मैंने तुम्हें बताया था बुलियन में ट्रू और फॉल्स रहेगा। तो x इज इक्वल टू ट्रू मैंने एक वैल्यू x की उसको असाइन किया है ट्रू। तो इफ आई चेक टाइप ऑफ दिस x सो इट विल गिव मी बुलियन। ओके सिमिलरली अगर कोई y इज इक्वल टू मैं असाइन करता हूं 4.5। ओके और मैं इसको रन करता हूं एंड इफ आई चेक कि ये कौन सा टाइप है टाइप ऑफ y एंड इफ आई विल बी रनिंग इट तो मुझे फ्लोट वाला मिल जाएगा। So this is actually you can use these things. तो type वाला use करके you can actually get it. चार data types मैंने तुम्हें बताए हैं। So guys, we can see here. जब भी हम print का slash n वाला use करके try करते हैं example, let us type something. हमें कुछ print करना है print statement के अंदर. Suppose as I told you, कभी भी strings जब भी तुम type कर रहे हो use inverted comma. Hello. Example. और सपोज मुझे अभी सपोज हेलो राज बोलना है और राज वाला मुझे ये जो राज मैंने लिखा है मुझे सपोज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। सो व्हाट आई कैन यूज इज बैक स्लैश एन यूज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यूज करूँ और इसको प्रिंट करूंगा यू कैन सी हियर नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे प्रिंट करना है और यहीं पर सेम चीज ले लेते हैं हेलो राज। मैनुअली तो स्पेस दे ही सकते हैं हम बट यू कैन ऑल्सो यूज हैश टी बैक स्लैश टी। इससे होगा क्या यू कैन क्लियरली सी जैसे मैं इसको रन करूंगा स्पेस बढ़ गया है ना। और भी बता सकता हूँ लाइक एग्जाम्पल इफ आई टेक और एक स्लैश टी और इसको रन करूंगा तो देखो यू कैन सी कितने बार मैं बैक स्लैश टी यूज करते जा रहा हूँ उतना स्पेस बढ़ते जा रहा है। ओके सो लेट अस गो अहेड। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। मेकिंग इट वेरी सिंपल सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि तुम लोग को लग भी रहा होगा कि वीडियो लंबी चल रही है बट इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस गो थ्रू करो। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज बेसिक तो बहुत सारे लोगों को माइट भी पता भी होगा ये बट हो सकता है वीडियो देखने वाले बहुत सारे ऐसे भी हो जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है who doesn't have knowledge about this thing. So I'm going, I'm making it very simple. So जैसे जैसे टाइम होते जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में I will be looking after advanced thing also one after one. Don't worry, I will be covering each and everything. So it is very useful for you guys if you actually pay attention here. ठीक है? Next thing अभी हम जो use करते हैं, वो हम print करने का एक तरीका देखते हैं। उसके लिए guys, मैंने तुम्हें variable substitution बताया था। Like integer के लिए percent d, float के लिए percent f, और string के लिए percent s, if you remember. तो वही हमें use करना है one after one. If you remember integer के लिए मैंने तुम लोगों को और एक बार यहाँ पे जस्ट परसेंट डी फिर इफ यू गो अगर कोई फ्लोट वैल्यू है तो उसके लिए तुम लोग यूज करोगे परसेंट एफ एंड इफ सम वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग परसेंट एस। सो दीज आर द वैल्यूज यू यूज कर सकते हो। तुम यहाँ से इसको यहाँ पर मार्कडाउन कर सकते हो। इससे होगा क्या ये मार्कडाउन हो जाएंगी वैल्यूज ये रन नहीं करने की जरूरत नहीं है। सो ये बस काइंड ऑफ तुम अगर देना चाहते हो तो उस वैसे रख सकते हो वैल्यू वाइल प्रिपेयर। ओके एंड और एक चीज़ गाइस यहाँ से तुम हेडिंग्स भी दे सकते हो अगर हेडिंग देना है तुम्हें और मार्कडाउन करके ऐसे वैल्यू भी ये कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस वेदर यू वांट टू रन इट और यू जस्ट वांट टू कीप इट एज लाइक हेडिंग और मार्कडाउन करना है। सो लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल कोई चीज़ है मेरे पास सपोज मैं नेम कंसिडर करता हूँ लेट अस जस्ट कंसिडर नेम
राज, ओके, यू कैन क्लियरली सी ये स्ट्रिंग है, राइट। सेकंड चीज हम ले लेते हैं, असाइन करते हैं मार्क्स, मार्क्स को असाइन कर देते हैं, सपोज रैंडमली 456 मार्क्स है। ये तो इंटीजर है, इसको जरूरत नहीं है हमें इन्वर्टेड काउंट लिखने के लिए। नेक्स्ट फ्लोट की कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं, एग्जांपल परसेंटेज, परसेंट देते हैं हम, और 65.2 ले लेते हैं, ओके। ये वैल्यू मैंने असाइन की, इसको रन कर दिया मैंने। अभी सपोज मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, int print, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट करते समय जो भी प्रिंट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा मैं, और else you can also use single inverted comma. Suppose my name is, अभी मुझे राज टाइप करना है एक्चुअली, राइट। बट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग व्हाट आई कैन यूज इट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर एक के लिए हम अलग यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वेरिएबल का हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एक्चुअल नेम विच इज राज, हम वहां पर यूज करेंगे उसका सब्स्टिट्यूशन। इफ यू सी नेम कौन से टाइप का डेटा टाइप है, इट इज स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है परसेंट एस, तो यहाँ पर मैं परसेंट एस डाल दूं, ओके। सो आई, सो सपोज आई गॉट टोटल, अभी मुझे लिखना है टोटल मुझे कितने मार्क्स मिले। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 456, आई कैन सी इट इज क्लियरली इंटीजर डेटा टाइप, तो मैं इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज कर सकता हूँ, वहां पर मैं परसेंट डी यूज करूंगा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर मैंने वैल्यूज असाइन नहीं किए गाइस, इसको रन नहीं किया मैंने तुम लोगों को, बस दिखाने के लिए, बस टू और मेक यू और टू रिमाइंड यू गाइस, वहां पर मैंने टाइप किया, उसको रन नहीं किया है मैंने, वो होता कैसे, यू विल गेट इट क्विकली। सो मैंने अभी परसेंट डी यहाँ पर मार्क्स लिख दिए, सपोज कितने भी मार्क्स होंगे, फिर फाइनली एंड लेट्स गो फॉर द वैल्यू। अभी परसेंटेज इज अ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज करेंगे हम, परसेंटेज। अगर तुम लोग इसको रन करोगे तो ये सब जो भी है राज 456 ये सब नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एज़ सून एज़ यू टाइप हियर, जैसे ही डबल इनवर्टेड कॉमा सिंगल इनवर्टेड कॉमा तुमने क्लोज कर दिया, व्हाट यू हैव टू डू इज परसेंट एफ टाइप करो, ओके, देन ब्रैकेट, इन दिस यू हैव टू गिव द नेम्स। सबसे पहले तो परसेंट एस दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वहां पे तुमने किसके लिए दिया है, नेम के लिए दिया है, ओके, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू है परसेंट डी विच इज एन इंटीजर, सो इंटीजर एक्चुअली मार्क्स है, करेक्ट। देन फाइनली द थर्ड वैल्यू विच इज परसेंट, राइट, तो इसको हम वैल्यूज दे देंगे वहां पे, ये परसेंट ऐसे डाल के। I hope you guys have understood this thing. Or let us see क्या होता है इसको रन कर कर। So you can clearly see जैसे मैंने इसको रन किया, percent s की जगह पे exactly राज आ गया, और percent d की जगह पे integer जो था 456 आ गया, और percentage की जगह पे 6.200 का कुछ value नहीं है वहाँ पर, you can clearly see. So 5.2% जो type, this is the first way. अगर ये वे पसंद नहीं आ रहा तुम लोग को, और एक भी वे है, you can use dot format for that. तो डॉट फॉर्मेट में क्या है, आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू। और इसको डॉट फॉर्मेट मेथड भी बोला जाता है, दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो डॉट फॉर्मेट यूज करके हम करते हैं, सिमिलरली लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हियर, थोड़े से चेंजेस करूंगा मैं, तो मैं बता दूंगा क्या चेंजेस कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली राइटिंग ये, हम ये यूज नहीं करेंगे परसेंट वाला मेथड, ओके। हम यहाँ पर ये जो परसेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट, ओके, डॉट फॉर्मेट यूज करेंगे। सो नेम मार्क्स परसेंट रिमेन सेम, तो इसमें क्या हो गया फर्क सर, अगर तुम लोग पूछोगे तो, इफ यू सी वी विल बी नॉट यूजिंग परसेंट एस परसेंट डी, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर क्या देंगे, डायरेक्टली वी विल गिव कर्ली ब्रैकेट्स। हम यहाँ पर इस चीज को कर्ली ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स रख देंगे जहां जहां भी हमें वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या डालना है, वो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट डाल के वहां पे मेंशन कर देंगे। एग्जांपल फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट में मुझे नेम देना है, जो भी नेम है राज एग्जाम्पल, तो वहां पे मैंने मेंशन कर दिया डॉट फॉर्मेट डाल। सो नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड मार्क्स का मैंने मेंशन कर दिया, थर्ड के लिए जो कर्ली ब्रैकेट है उसके लिए मुझे परसेंट देने हैं, व्हिच इज 6.652। लेट अस जस्ट क्विकली रन इट, नाउ आई कैन क्लियरली सी जैसा मुझे चाहिए था वैसे वहां पर आ चुका है।
then the final way, third way रहेगा F string वाला method, ठीक है? So F string में हमें क्या करना है? Similarly same thing, इसको quickly let me just copy from here and just let me paste it here. What you have to do is now I'm not using dot format method. तो ये सबसे simple में method है, मेरा favorite method भी है ये वाला F string वाला. I usually use this thing. तो मुझे ये सब use करनी है, because ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. तो जो भी तुम्हें actually टाइप करना है तो बस यहाँ पे एफ लगाना है, एफ स्ट्रिंग के लिए एफ लगाना है तुम्हें, और इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया और तुमने स्टार्ट कर दिया. सपोज माय नेम इज, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम्हें डायरेक्टली नेम लिख देना है, माय नेम इज, फिर आई गॉट जो भी तुम वेरिएबल वहाँ पे असाइन कर रहे थे वो वेरिएबल्स बस तुम्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालने हैं. मार्क्स मैंने असाइन किया था, नेक्स्ट वाले में परसेंट असाइन किया था, नॉट परसेंटेज, ठीक है? बस मैंने एफ यूज कर लिया स्टार्ट में, और जो भी मुझे टाइप करना था आई हैव एक्चुअली टाइप्ड इट, और एज सून एज आई विल बी रनिंग इट आई कैन क्लियरली सी द वैल्यूज आर हियर. ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थ्री मेथड्स. तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है थर्ड वाला मेरा फेवरेट है, बिकॉज इट इज इजी ऑफ टू यूज. तो आई होप तुम लोग को सब समझ में आ गया होगा. तो इसको गो थ्रू करो एंड इंस्टॉल एनाकोंडा, और तुम लोग भी ये जुपिटर में जाकर जैसे मैंने प्रोसीजर बताया वैसे प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर आइडिया आएगा, ठीक है? इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी लुकिंग आफ्टर अगेन और जो जो भी है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे हम एंड करते हैं एंड